हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सभी। दोस्तों, आज मैं आपको ड्रावर बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारा जो दराज का नीचे का साइज होगा 10 mm का, हम अक्सर करके 10 mm की प्लाई का यूज़ करते हैं और दोनों साइड लेमिनेट्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम पॉलीवुड फेमिकोल लगा रहे हैं और ये फेमिकोल एक साइड ही लगता है और इससे बहुत ही अच्छी सेटिंग होती है। इस तरह से इसे लगाना होता है और यहाँ पर हमने एक साइड लगा दिया और दूसरे साइड में हम अपना लेमिनेट्स लगा देंगे और इस तरह से हम अपने लेमिनेट्स की हवा निकाल देंगे दोनों साइड से उठाकर। यहाँ पर हमारा लेमिनेट्स तैयार है और यहाँ पर हमारे सभी पार्ट्स तैयार हैं और यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स के अपने लेमिनेट्स लगाकर उसकी फिनिशिंग कर दी है और इस तरह से ये हमारे 20 cm का अलमारी के यानी कि दराज का साइज है यहाँ पर। और इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों ऊपर की साइड के 10 mm के हमारे नीचे के साइज हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो तैयारी करेंगे वो नीचे की साइड में तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम हमारा जो फ्रंट साइड से साइज होगा उसका निशान लगाएंगे यानी कि रुकार का, उसमें हम अपना नंबर डाल देंगे ताकि उससे हमारा उसमें दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे यहाँ पर फिक्स। इस तरह से दोनों साइड मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही देखेंगे हमारा साइज इसमें यहाँ पर फिक्स है या लूजिंग है या टाइट है। इस तरह से यहाँ पर हमारा थोड़ा साइज इसमें टाइट है, यहाँ पर हम इसको 1 mm कम कर देंगे पूरे साइज में। इस तरह से इस साइज को 1 mm कम करना होता है और यहाँ पर हमारा नीचे का जो साइज है बिल्कुल फिक्स चल रहा है। यहाँ पर हमारी पेंसिल नोक ख़त्म हो गई थी, हम इसकी शार्प बना लेंगे और इस तरह से नीचे की साइड में यहाँ पर निशान लगा देंगे। निशान हमने जो लगाया बैक साइड से हमने एक सूत पीछे हटाकर लगाया। इस तरह से यहाँ पर इसका कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद हमारा जो अंदर का साइज है जो रेडी हो गया है। इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर साइज बनाना होता है। सबसे पहले जो तैयारी की जाती है दराज बनाने की वो नीचे की साइज से की जाती है और इसमें यहाँ पर हम 25 mm का कटिंग कर देंगे बराबर साइड में जो हमारी चैनर होती है। इस तरह से यहाँ पर हमारी अलमारी की जो दराज की प्लाई फिक्स हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों साइड की हमारी प्लाई फिक्स होगी और यहाँ पर हम जैसा दराज बनाते हैं सबसे पहले फ्रंट साइड का हम मत्था लगाते हैं। मत्था लगाने के बाद फिर बराबर साइड से हम गोनिया में उसकी फिटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे अपने बंदे काम कर रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सभी दराज की सेटिंग कर दी और ये हमारी दराज ओके हो गई है। और यहाँ पर हमारा जो 20 cm है अलमारी का, जहाँ पर हमें PVC टेप लगानी है वो हम जो लगाएंगे हम PVC जेल ग्लू से लगाएंगे यानी कि पॉलीफिक्स जेल ग्लू से लगाएंगे। इससे इसकी सेटिंग बहुत ही अच्छी होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड के अंदर सेट हो जाता है। और यहाँ पर हम अपना PVC टेप पर स्प्रे एक्टिवेटर करेंगे और यहाँ पर हम अपने देना इसे फिक्स कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा हम इस पर हाथ फेर देंगे, हाथ फेरने से हमारी सेटिंग हो जाएगी और यहाँ पर हमने ये पीस लगा दिया। अब हम दूसरी साइड का पीस लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे तीनों पीस PVC के चिपक कर सेट हो गए हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने चिपका दिया और अब हम अपने हैटिस की चैनर लेंगे और हमारी जो चैनर रहेगी 20 इंची है, 18 इंची है। इस तरह से इसका साइज यहाँ पर आपने देखा, ये मैंने फोकस लगाकर दिखाया। और हम जब अंदर की तैयारी करेंगे दराजी चैनर लगाने की, यहाँ पर हम 19 mm का हमने बोर्ड का पीस रखा नीचे की साइड में। यहाँ पर हम इसमें स्क्रू लगा देंगे। स्क्रू जो हम लगाएंगे वो 19 mm का लगाएंगे जिप्सम का और हम फ्रंट साइड और बैक साइड स्क्रू लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने स्क्रू लगा दिया है और यहाँ पर हम अपना पीस हटा देंगे। यहाँ पर हमारी अंदर की जो चैनर की पट्टी होती है वो लगाकर मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर सभी चैनर की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। और हमारी दूसरी साइड भी चैनर की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब हम क्या काम करेंगे कि हम नीचे अपनी पट्टी लगा देंगे चैनर की जो कि हमारे दराज पर लगती है इस तरह से। और हम एक 10 mm की प्लाई का पीस लेंगे जो हमारा नीचे की दराज होती है उसमें कम से कम आपका 8 से 10 mm के दरमियान उसमें गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बड़ा दराज हैगा
तो उसमें वहाँ पर गैप होना चाहिए जिससे कि लटकता है, रुमाल भर जाता है उसमें, लटक बन जाती है। यहाँ पर हमने जो साइज़ नाप कर दिखाया 1 इंची 3 सूत का यहाँ पर हमारा साइज बना। इस तरह से हम खत निशान लगा कर इंची टेप से खतखस बांध लेंगे और उसे यहाँ पर सेंटर लगा देंगे। सेंटर जो हमने लगाया वो जो आपका खड़े रूप का इसमें होल होता है उसमें पैंच लगाएंगे। पैंच लगाने के बाद उसमें आप तराज चला कर देखेंगे जिसमें आपको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको पेंसिल से निशान लगा कर दिखाया 1 इंची 3 सूत को। और इसमें यहाँ पर हमारा जो दराज के नीचे जो गैप रहेगा प्लाई से मिलता हो 10 mm के आसपास यहाँ पर गैप रहेगा। यहाँ पर हमने अपना पैंच लगा दिया सेंटर में और दोनों साइड हम पैंच लगा देंगे, यहाँ तक कि हम इसमें 4 पैंच लगा देंगे जिससे कि हमारा दराज ये ऊपर नीचे ना हो। तो इसमें हम 4 पैंच लगा देते हैं और यहाँ पर हम दूसरी साइड भी यहाँ पर अपने चैनल की पट्टी लगा देंगे। और यहाँ पर हमारी दराज में चैनल लगकर रेडी है और हम एक बार अपने दराज को चलाकर देखेंगे। दोस्तों ये मैंने आपको दराज चलाकर दिखाई। दराज में सिर्फ जो इसका जो गैप रखना होता है पूरे साइज का तैयार का, वो सिर्फ जो नीचे की 10 mm की प्लाई होती है उसमें हमें 1 mm का यानी कि इसमें गैप रखना होता है। उस गैप के कमाल से हमारी दराज 0-0 चलती है, इसका ही ध्यान रखा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा। आप हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को करने सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देने आपका बहुत बहुत शुक्रिया।